हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका फोरेक्स फॉर अनबॉक्स में। सो फ्रेंड, रेडमी के जो फैन है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि शाओमी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दी अपनी रेडमी नोट 11 प्रो सीरीज, जिसमें दो स्मार्टफोन होने वाले हैं, रेडमी नोट 11 प्रो एंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G। तो आज मैं बताऊंगा दोनों फ़ोन के बारे में जो शाओमी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो ये दोनों स्मार्टफोन 9 मार्च को इंडिया में अमेज़न पर देखने मिलने वाला है। तो फ़ोन का नाम से ही पता चल गया होगा कि दोनों फ़ोन में डिफरेंट है। जो Redmi Note 11 Pro है जो 4G स्मार्टफोन है, और Redmi Note 11 Pro Plus वो 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और AMOLED पैनल वाला डिस्प्ले देखने मिल जाएगा। और कैमरा की बात करें तो दोनों में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने मिल जाएगा, और सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने मिल जाएगा। और तो और बैटरी की बात करें इसके अंदर तो 5000 mAh का बैटरी देखने मिल जाएगा, और साथ में 67W का फास्ट चार्जर। तो फास्ट चार्जर बहुत अच्छा है इसके अंदर। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करते हैं इसकी, जो रेडमी नोट 11 प्रो के अंदर देखने मिलने वाला है, मीडियाटेक का हीलियो G96 वाला प्रोसेसर। और वहीं पे हम प्रो प्लस 5G की बात करें तो उसके अंदर मिलने वाला है आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर, जो होगा स्नैपड्रैगन 695 एसोसिएट का 5G चिपसेट। तो इस फ़ोन की एक बुरी बात बताने वाला हूँ कि Redmi Note 11 Pro सीरीज़ के अंदर आपको Android 11 आउट ऑफ बॉक्स देखने मिलेगा। अगर Android 12 होता तो बेटर होता, क्योंकि दोनों ही एक प्रो सीरीज़ का स्मार्टफोन है। आई होप कि Redmi Note 11 Pro जो 4G फ़ोन है वो 12-13 हज़ार के अंदर आ जाए इंडिया के अंदर। और क्योंकि Helio G96 आपको 10-11 हज़ार की रेंज में मिल जाता है। तो कैसा लगा वीडियो फ़ोन सीरीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।